हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। एंड ऑन योर स्क्रीन nexon.tv nexon.tv की आपने 9 नंबर ऑफ वीडियोस देख ली होंगी, बहुत सारी, एक हमारी भी देख लो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं nexon.tv के सारे वेरिएंट्स के बारे में, आपको डिटेल देंगे साइड बाय साइड nexon के इस ईवी के अंदर हर वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, वो सारी डिटेल में बात करेंगे। एंड सभी का प्राइस भी ऑफकोर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा। nexon.tv आपको दो बैटरी पैक के साथ मिल जा रही है, जिसको nexon बोलती है MR और LR। MR स्टैंड फॉर मीडियम रेंज, LR स्टैंड फॉर लॉन्ग रेंज। इसके अंदर आपको क्या क्या और मिलने वाला है, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो टिल लास्ट। एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसी टाइप का कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स, क्योंकि पता तो लगना चाहिए ना कि कमी कहाँ पर है और क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी बनेगी, आई बिलीव इन दैट। एक बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। खैर, इन सभी बातों को साइड में रखते हुए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक nexon.tv। बेसिकली आपकी वैसे भी आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सबने इसके अंदर देख लिया है। लुक वाइज बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे nexon ICE यानी इंटरनल कंप्रेशन इंजन के साथ आने वाली nexon जो है, सेम बॉडी सेल वही है, सारे डायमेंशन वही हैं, सारे पैरामीटर्स वही हैं, एवरीथिंग इज सेम। इसके वेरिएंट स्टार्ट होते हैं क्रिएटिव से, जो पहले जैसे ICE nexon में आपको क्रिएटिव जो है मिड में आके मिलता था, थर्ड वेरिएंट मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिव प्लस जो है इसका बेस वेरिएंट है। क्रिएटिव प्लस के बाद फियरलेस, फियरलेस के अंदर फियरलेस एस, एस प्लस, इस टाइप से वेरिएंट आएंगे। एंड लास्ट के अंदर इसके अंदर आता है सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव वेरियंट, दैट इज़ nexon EV Empowered Plus LR, जिसका एक्शोरूम प्राइस रहेगा 19.94 लाख। और इसका बेसिक प्राइस जो स्टार्ट होता है वो 14.74 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम इट्स आउटर लुक, एक्सटीरियर में आपको क्या क्या मिल रहा है, एंड देन फिर भी हम इसके सारे प्राइस एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। डिज़ाइन वाइज यदि आप बात करेंगे, एक्सटीरियर में पूरा वैसे के वैसे LED लाइट्स, कॉर्नरिंग लैंप फंक्शन के साथ, फ्रंट में पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर। एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जो है डिज़ाइन वाइज यही नज़र आएगा, बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस nexon ICE जैसी वाली ही ये nexon दिखेगी। साइड में आपको वही 16 इंच का अलॉय व्हील, डिज़ाइन भी वही, कोई चेंज नहीं, डायमेंशन भी वही। यहाँ पर आपको .ev जरूर देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आपको सब कुछ एज इट इज़ ICE वाला, कनेक्टिंग टेल लैम्प, एंड यहाँ पर आपको अगेन .ev मिल गया। एंड यहाँ पर मिल रहा है इसका फ्यूल, या फ्यूल इनलेट की जगह मिलेगा इसके चार्जिंग स्लॉट। ये आपका नीचे वाला DC, ऊपर वाला AC, एंड चार्जिंग टाइम लॉन्ग रेंज एंड हाई रेंज का डिफरेंट चार्जिंग पोर्ट के साथ या डिफरेंट चार्जर टाइप के साथ आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। नई nexon के अंदर एक अच्छा फीचर्स जो मिला है, जो आपने Hyundai की प्रोडक्ट के अंदर देखा होगा, V2E एंड V2V वाला, यानी व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को, यहाँ पर ये एक एज ए मोबाइल या एज ए पावर बैंक का काम कर सकती है इन फीचर्स के साथ। तो उसकी कनेक्टिविटी आई थिंक यहाँ से देखने को मिलेगी, राइट। ये वाला फीचर जो है आउटगोइंग nexon EV के अंदर नहीं था, ये नया ऐड किया गया है। बाकी nexon के जो फीचर्स हैं, 360 डिग्री कैमरा एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर और लाइक सनरूफ एंड ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं इसके अंदर, वो मुझे बताने की ज़रूरत है भी नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अंदर की तरफ आपको सेम डैशबोर्ड मिलेगा, बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ स्टेयरिंग व्हील, 2 spokes, एंड यहाँ पर 3 drive mode, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, लेस चार्जर, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, वेंटिलेटेड सीट्स जिनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये वाले फंक्शन जो है आपको nexon नॉर्मल वाली में जो दिखते हैं, पुश स्टार्ट बटन, एंड ये सारा पार्ट जो है हार्ड में मिलेगा। सेकेंड रो के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा 45 वॉट का चार्जर एंड 2 AC वेंट, बम्प है हल्का सा एंड कुशनिंग ठीक है सीट की, और थोड़ा सा हेड रूम तो इसके डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा कम हुआ ही है। एंड लॉन्ग रेंज वाली जो बैटरी आएगी, या बोल सकते हो कि लॉन्ग रेंज LR वाली जो 40.5 किलोवाट की बैटरी जो है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो बेस है, फ्लोर का बेस, आप मेरे हाथ की पोजीशन चेक कर पा रहे हो ना, ये थोड़ा सा अपसाइड आ गया है, जिसकी वजह से माइट भी जो लॉन्ग पैसेंजर पीछे की तरफ बैठेंगे उनको थोड़ा सा थाई स्पोर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड या ऑफ कोर्स
नीचे की तरफ पहले से ज़्यादा बेहतर है। पहले वह यहाँ पर वायरिंग वगैरह क्लियरली विजिबल थी, लेकिन अब थोड़ा सा उसको हाइड किया गया। नहीं यार, वहाँ पर भी वायरिंग है अभी भी, तो ये थोड़ा सा हो जाना चाहिए था फेसलिफ्ट के अंदर। खैर, अब बात करते हैं इसके प्राइस एंड स्पेसिफिकेशंस की। सबसे बेस वेरिएंट नेक्सोन ईवी के अंदर आता है क्रिएटिव प्लस, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 14.74 से, एंड ये वाला जो है मीडियम रेंज के साथ ही आएगा। इसके बाद आता है फियरलेस, इसके अंदर आपको मीडियम रेंज एंड हाई रेंज दोनों बैटरी पैक देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है एम्पावर्ड, जिसके अंदर भी आपको लॉन्ग रेंज एंड मीडियम रेंज देखने को मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं इंक्लूड करना भूल गया, जैसे लॉन्ग रेंज वाली जो नेक्सोन है उसके अंदर रियर के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, लेकिन जो MR है यानी मीडियम रेंज है उसके अंदर आपको केवल ड्रम ब्रेक मिलेंगे रियर की तरफ। फ्रंट में हाँ, उसके अंदर भी डिस्क ब्रेक मिलेंगे, बट जो लॉन्ग रेंज वाली है उसके अंदर सभी टायरों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। ये एक यहाँ पर डिफरेंस आता है लॉन्ग रेंज एंड हाई रेंज का। अच्छा जी, अभी बात करते हैं क्रिएटिव प्लस की, जिसके अंदर आता है प्राइस, एक्शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 14.74 का। इसके अंदर मिलता है हमें छोटा बैटरी पैक यानी 30 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, और आप क्रिएटिव प्लस के अंदर आपको रेंज मिलेगी करीब 325 किलोमीटर की। चार्जिंग टाइम जो एसी चार्जिंग टाइम है वो 4.3 आवर्स का रहेगा, एंड डीसी जो चार्जिंग टाइम है वो आपको 56 मिनट का देखने को मिल जाएगा। एंड डिफरेंट चार्जर के साथ कौन कितना कितना टाइम है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। बाकी फीचर्स की, सेफ्टी फीचर्स को गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। ABS, CVD, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे, कैमरा वगैरह ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर क्रिएटिव प्लस के अंदर अलॉय व्हील नहीं आते हैं, लेकिन टायर साइज वही 16 इंच का रहेगा क्रिएटिव प्लस का। अलॉय व्हील जो है आपको फियरलेस से स्टार्ट देखने को मिलेंगे। 30 किलोवाट का इसके अंदर बैटरी पैक मिलेगा 30 किलोवाट आर का, एंड जो इसकी पावर रहेगी वो 127 BHP की रहेगी। टॉर्क जो है इसका 215 न्यूटन मीटर का रहेगा मीडियम रेंज की बैटरी पैक में, एंड 325 का इसका रेंज रहेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो चार्जिंग ऑप्शन है मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं 3.3 किलोवाट का, जो इसके साथ मिल रहा है AC वाल बॉक्स, 7.2 किलोवाट का AC वाल बॉक्स एंड DC फास्ट चार्जर, ठीक है। और बाकी सारी इसकी बेसिक फीचर्स जो हैं आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट वेरिएंट, दैट इज़ फियरलेस। फियरलेस के अंदर भी आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, प्लस आ जाता है, प्लस एस आ जाता है। एंड फियरलेस जो सीरीज़ है इसका प्राइस स्टार्ट होता है 16.19 से, एंड इसका जो टॉप एंड प्राइस जो है उसका प्राइस होगा 17.19, और जो मिड में जो रहता है फियरलेस प्लस उसका प्राइस रहेगा 16.69। इसके बाद जो फियरलेस लॉन्ग रेंज आएगी, लॉन्ग रेंज के अंदर भी फियरलेस के अंदर तीन ऑप्शन मिलते हैं। लॉन्ग रेंज का प्राइस स्टार्ट होता है 18.19 से, और फियरलेस प्लस एस का लॉन्ग रेंज का जो प्राइस रहेगा वो 19.19 लाख रहेगा। यानी आप मोटा मोटी यदि कंपैरिजन करें, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज है इन दोनों के प्राइस में करीब 2 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी वेरिएंट्स का प्राइस आप कंपेयर कर सकते हैं, या लॉन्ग रेंज एक तरफ है, मीडियम रेंज आपको एक तरफ नज़र आ जाएगी फियरलेस के, और इसके अंदर प्राइस रेंज में डिफरेंस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। या फियरलेस प्लस एस जो है इसके अंदर लॉन्ग रेंज वाली बैटरी के साथ आपको मिलेगा 14.5 किलोवाट आर का बैटरी पैक। ऑफकोर्स रेंज बढ़ के मिलेगी, 465 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर पावर भी बढ़ के मिल रही है, पावर मिल रही है आपको 142 BHP की, दो उससे थोड़ा सा आपको मीडियम रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, एंड टॉर्क जो है वही 215 न्यूटन मीटर का देखने को मिलेगा। एसी चार्जिंग टाइम यहाँ पर 6 आवर्स है, डीसी चार्जर के साथ वही 56 मिनट रहेगी, एंड चार्जिंग जो यहाँ पर सपोर्ट करेगा, ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, अलॉय व्हील फियरलेस में देखने को मिल जाएंगे, एंड फियरलेस के अंदर आपको सारे अलॉय व्हील के साथ आपको रियर में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया। वही चार्जर जो टाइप यहाँ पर मिलेंगे, तीन मिलेंगे, 3.3 वाट किलोवाट का एसी चार्जर, 7.2 किलोवाट का एसी चार्जर एंड डीसी फास्ट चार्जर, ठीक है। चार्जिंग टाइम जो 3.3 वाला जो, या आप बोल सकते हो जो 15 एम्प के प्लग के साथ इसको यदि चार्जिंग पे लगाएंगे तो 15 आवर्स में ये चार्ज होगी, और 7.2 किलोवाट वाले जो एसी चार्जर है उससे ये करीब आपको 6 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी 10 to 100%, एंड जो 50 किलोवाट का डीसी चार्जर है तो ऑफकोर्स ये 56 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाएगी। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक रहेगा, फ्रंट व्हील ड्राइव रहेगा। फीचर्स वगैरह आपको इसमें थोड़ा सा जो हटके मिल रहे हैं, मोटे मोटे फीचर्स, वो आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे।
अब आ जाता है इसका टॉप ऑन द लाइन वेरिएंट यानी इम्पावर्ड। इम्पावर्ड की बात कर ले तो इम्पावर्ड के अंदर भी आपको लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज दोनों बैटरी पैक देखने को मिलते हैं। उसका प्राइस स्टार्ट होता है 17.84 से। मॉडल है, इसके अंदर सारे फीचर्स आ जाएंगे, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, सारे ए टू जेड जितने भी फीचर्स नेक्सोन के अंदर हैं वो सारे इसी एम्पावर्ड मीडियम रेंज के साथ आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है एम्पावर्ड प्लस LR यानी लॉन्ग रेंज वाला, उसका प्राइस है 19.94 और इसके अंदर जो है वही बैटरी पैक के डिफरेंस है, सनरूफ वगैरह ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। तो जो एम्पावर्ड के अंदर लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के अंदर जो डिफरेंस है वही ऑफकोर्स 2 लाख का डिफरेंस आ जाता है मोटा मोटा, एंड इसके अंदर रेंज का डिफरेंस आ जाता है, पावर का डिफरेंस आ जाता है, डिस्क ब्रेक वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारे छोटे छोटे फीचर्स थे, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी Nexon.EV की, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। हाँ थोड़ा बहुत आपको ब्लरी वगैरह लग रहा है तो क्योंकि इनसाइड शोरूम शूट हो रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, भले ही आपको इस मीडियम बजट में आपको अलग ईवी देखने को मिल जाए बट Nexon को अभी तक किसी ने सेल के मामले में पछाड़ा नहीं है। एंड इन सब फीचर्स के साथ ऑफकोर्स ये नंबर 1 बन जा रही है इस प्राइस रेंज पर जो आपको इतने फीचर्स ऑफर करने वाली है। बाकी इस प्राइस रेंज में आपको Nexon EV के साथ MG ZS EV भी देखने को मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ पर XUV400 भी देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों ईवी कैसी लग रही हैं आपको इसके कंपैरिजन में वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके अगली वीडियो में, तब तक आप 2-व्हीलर चला रहे हो हेलमेट का प्रयोग और 4-व्हीलर चला रहे हो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद। और भाई जाते जाते जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कोई कमी है तो भी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।